हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो हमारे इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेच्युटी और पेंशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंपनसेशन के बारे में। अभी इस वीडियो में हम पूरा कंपनसेशन के बारे में जो है वो पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कंपनसेशन की जो है टैक्स के एग्जम्पशन किस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर मिलती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी जिसे हम इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव भी कहते हैं, तो ये प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी आपके वो सारे बेनिफिट हैं जो किसी एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर रिट्रेचमेंट मिलते हैं, ठीक है। मतलब किसी एम्प्लॉय को सर्विस से हटाने के बाद में या फिर उसको सर्विस से निकाल दिए जाने के बाद में उसको सैलरी की जगह पे वो चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें हमने ग्रेच्युटी पेंशन देख लिया था, अभी देखते हैं हम कंपनसेशन। देखिए, ये हमने ग्रेच्युटी देखा था, फिर उसके बाद में हमने पेंशन देखा था, ठीक है। उसके बाद में अभी हम देखेंगे कंपनसेशन, ठीक है। तो देखिए, कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन को हम बोलते हैं क्षतिपूर्ति, ठीक है। अब अगर किसी एम्प्लॉय को हम उसकी सर्विस से निकाल देते हैं, ठीक है, या उसको सर्विस के दौरान या सर्विस करने के बीच में अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको कोई हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, तो उसका एम्प्लॉयर जो है उसको क्या देता है? कंपनसेशन देता है, ठीक है। या तो उसको विदाउट नोटिस सर्विस से निकाल दिया गया हो, ठीक है, या उसको सर्विस से हटा दिया गया हो, या ड्यूरिंग द सर्विस कोई एक्सीडेंट हो गया हो और किसी एम्प्लॉय का कुछ लॉस हो गया हो, तो उसको क्या मिलता है? कंपनसेशन मिलता है। तो कंपनसेशन के इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से क्या प्रोविज़न है, उस पर कितना टैक्स लगता है, कौन सी चीज़ उसकी क्या है, एग्जम्प्टेड है, कौन सी टैक्स फ्री है, तो वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो कंपनसेशन आते ही आपके पास में दो पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या रहेगा? पॉइंट नंबर फर्स्ट रहेगा कि अगर किसी एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन है रिसीव होती है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, जब वो काम कर रहा था सेवा काल के दौरान, अगर उसको क्षतिपूर्ति मिलती है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सेवा काल के दौरान, ठीक है, सेवा काल के दौरान अगर उसको क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो सभी एम्प्लॉय के लिए क्या रहती है? कर योग्य होती है, सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनसेशन दो तरीके से मिलेगी, या तो सेवा काल के दौरान ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड मिलेगी, या फिर वो कैसे मिलेगी? ऑन रिट्रेचमेंट, उसको क्या मिलेगी? रिट्रेचमेंट पर मिलेगी, उसको सेवा काल से सेवानिवृत्त होने पर या सेवा काल से निकालने पर उसको मिलेगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं छटनी के दौरान, या छटनी पर जो मिलती है, छटनी मतलब जब एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से मिलती है, सेवा काल के दौरान मिलती है तो सबके लिए क्या होती है? टैक्सेबल होती है। और अगर वो छटनी पर मिलती है कंपनसेशन, अगर छटनी पर दिया जाता है, तो हम जो अभी अमाउंट देखेंगे उसमें से जो भी अमाउंट लेस होगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी? टैक्स फ्री हो जाएगी, एग्जम्प्टेड हो जाएगी। एग्जम्प्टेड का मीनिंग क्या रहता है? एग्जम्प्टेड का मीनिंग होता है टैक्स फ्री होना, ठीक है। तो अगर उसको रिट्रीचमेंट पर मिली है कंपनसेशन, तो इनमें से जो अमाउंट कम होगी, जो अभी अमाउंट हम देखने वाले हैं, ये अमाउंट जो है आपके पास तीन अमाउंट है, ठीक है। ये तीन आपके, ये पूरा इनकम टैक्स का फॉर्मूला रहता है कि आपको इसकी एग्जम्प्टेड अमाउंट कैसे निकालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाता है? अमाउंट रिसीव। तो आपको जो भी कंपनसेशन की अमाउंट रिसीव होती है वो यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर सेकंड में मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट लिखते हो, ठीक है। मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट जो है वो कंपनसेशन की कितनी है? 5 लाख है, ठीक है। तो 5 लाख इसकी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा एग्जम्प्टेड नहीं होती है, तो 5 लाख यहाँ पर लिखोगे। फिर पॉइंट नंबर थर्ड में लिखोगे 15 डेज सैलरी फॉर एवरी सर्विस ईयर, जितने साल उसने काम किया है उतने सालों के लिए उसकी 15 डेज की सैलरी निकालनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला लगता है, ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है ये फार्मूला उसी के लिए लगता है पूरा, कि आप एवरी सर्विस ईयर
जो है 15 डेज की सैलरी कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप लिखोगे 3 मंथ सैलरी बिफोर रिट्रेचमेंट। जब उसका रिट्रेचमेंट हुआ, जब उसको निकाला, तो उससे जस्ट पहले के 3 महीने की सैलरी आपको लेनी है, ठीक है, और डिवाइड करना उसको नंबर ऑफ डेज इन द 3 मंथ। जो लास्ट के 3 मंथ थे उसमें जो डेज थे, सपोज करो किसी का जून में रिट्रेचमेंट हो गया, ठीक है, तो जून से 3 महीने पहले कौन से हो जाएंगे, एक तो मई हो जाएगा, एक फैब हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, जैन हो जाएगा, ठीक है। तो जैन के डेज लेने हैं, फैब के डेज लेने हैं, और मई के डेज लेने हैं, ठीक है। तो 3 महीने पहले के डेज लेने हैं आपको, और ऊपर 3 महीने पहले की सैलरी लेनी है। इनटू करना है 15/1, ठीक है, इनटू करना है आपको सर्विस ईयर, जितने साल उसने काम किया है। जैसे सपोज करो किसी ने 10 ईयर्स और 5 मंथ काम किया है, ठीक है, तो 10 इयर्स 5 मंथ जो है उसको अप्रोक्स करके लोगे आप, तो कितना लोगे, 10 इयर्स लोगे। और यहाँ पे अगर 10 इयर्स और 8 मंथ होते तो आप इसको 11 इयर्स लेते, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस पीरियड लोगे वो आप कैसे लोगे, अप्रोक्स में लोगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपके सामने आएंगे, अमाउंट रिसीव, दूसरा आ जाएगा मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट, और तीसरा आ जाएगा आपके सामने 15 डेज सैलरी फॉर एवरी सर्विस ईयर, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और 3rd पॉइंट की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी वो आपको देखनी है। और फिर यहाँ पे देखो 3rd पॉइंट की कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद में देखो तीनों अमाउंट आपके सामने होगी, जो अमाउंट रिसीव हुई है कंपनसेशन की, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट 5 लाख लिखोगे, और यहाँ पे जो ये एवरी सर्विस ईयर की 15 डेज सैलरी की यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, तो इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगी वो आपके क्या अमाउंट रहेगी, वो आपके टैक्स फ्री अमाउंट होगी, ठीक है, वो क्या अमाउंट होगी, टैक्स फ्री रहेगी। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आपके क्या रहोगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब इसमें जो सैलरी की बात की है कि 3 मंथ सैलरी बिफोर रिट्रेचमेंट, तो यहाँ पे जो सैलरी वर्ड आया है, ठीक है, वो सैलरी वर्ड में कौन कौन सी सैलरी इंक्लूड होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए बेसिक सैलरी, ठीक है, दूसरा होना चाहिए ऑल मॉनेटरी रेमुनरेशन, किसी एम्प्लॉय को जो भी मॉनेटरी रेमुनरेशन मिल रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे कमीशन बोनस जो हो गए, ठीक है। इसके बाद ऑल रिसीव्ड अलाउंस, ठीक है, उसको जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज। परक्यूसिटीज क्या होता है, सुविधाएँ होता है, जो सुविधाएँ किसी एम्प्लॉय को मिलती है, तो सुविधाओं का जो मूल्य होता है वो भी इसके अंदर आता है। तो इनमें से जो भी अमाउंट कम होगी वो आपके टैक्स फ्री होगी, और रिमेनिंग अमाउंट आपके टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कंपनसेशन, एक बार वापस देख लेते हैं। कंपनसेशन 2 तरीके का होगा, या तो उसको सेवा काल के दौरान मिलेगा, या उसको सेवानिवृत्ति पे मिलेगा। तो सेवा काल के दौरान जो क्षतिपूर्ति मिलती है वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती हैं, और सेवानिवृत्ति पर जो उसे कंपनसेशन मिलती है वो निम्न में से जो राशि कम होगी उतनी ही कर मुक्त होगी। अब निम्न में से जो राशि कर मुक्त होगी, निम्न में से अभी हमने देखी ये 3 राशियाँ, ठीक है, या तो उसकी जो अमाउंट रिसीव है वो, या फिर मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट जो कि 5 लाख है, या फिर 15 दिन की सैलरी उसकी हर सर्विस ईयर की। तो इनमें से जो भी अमाउंट कम होगी वो आपके क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, और बाकी बची हुई अमाउंट टैक्सेबल होगी। और यहाँ पे सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, ऑल मॉनेटरी रेमुनरेशन, ऑल रिसीव्ड अलाउंसेस, और एक्चुअल वैल्यू ऑफ परक्यूसिटीज आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके था कंपनसेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आएगा इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ठीक है, जिसे हम अर्जित अवकाश का नकदीकरण भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेवा काल के दौरान छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है, और कुछ एम्प्लॉयज़ तो उन छुट्टियों का पूरा यूज़ कर लेते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ के पास वो छुट्टियां बच जाती हैं, ठीक है। तो जो छुट्टियां बच जाती है उसका फिर क्या किया जाता है, इनकैशमेंट किया जाता है। इसका मतलब उनको उसके बदले में क्या दिया जाता है, कैश दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यही है वो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। तो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव जो है वो भी 2 तरीके से मिल सकती है, या तो ड्यूरिंग सर्विस मिल सकती है, या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे। एक तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, मतलब सेवा काल के दौरान अगर नकदीकरण किया गया है तो, और दूसरी बात आपके सामने क्या आ जाएगी, इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के टाइम पर इनकैशमेंट।
तो अगर पहला केस देखे हम कि अगर उसको ड्यूरिंग द सर्विस मतलब सेवा काल के दौरान अगर उसको क्या किया गया है, अवकाश का नकदीकरण किया गया है, तो ये जो होता है वो सभी एम्प्लॉयज के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉय अभी सर्विस कर रहा है वो सर्विस में चल रहा है और उसको अगर इनकैशमेंट होता है लीव्स का, ठीक है, तो वो सभी एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ठीक है, फिर सेकेंड बात हम करते हैं इनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम पे जो इनकैशमेंट होता है तो उसमें दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशन क्या होगी कि वो एम्प्लॉय कौन सा होगा, वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इन कैश किया गया है लीव्स का, तो फिर वहाँ पे देखिए ऑल अमाउंट टैक्स फ्री, तब पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट पे लीव्स का इन कैशमेंट किया जाता है तो वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसके लिए पूरी की पूरी ऑल अमाउंट क्या हो जाएगी, आपके टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सेकेंड कंडीशन आपके सामने क्या आ जाएगी, सेकेंड कंडीशन आ जाएगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि गवर्नमेंट नहीं है, निजी जो कर्मचारी होता है, उसको अगर मिली है सेवानिवृत्ति पर क्या चीज़, इनकैशमेंट ऑफ लीव। ठीक है, अगर उसको सेवानिवृत्ति पर इनकैशमेंट हुआ है लीव्स का, तो विच एवर इज लेस फ्रॉम फॉलोइंग इज टैक्स फ्री। तो अभी जो हम पॉइंट्स देखने वाले हैं उसमें से जो भी अमाउंट क्या होगी, कम होगी, विच एवर इज लेस होगा, वही अमाउंट क्या होगी, आपके टैक्स फ्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो तीन चार पॉइंट अभी दिखने वाले हैं उनमें से जो अमाउंट कम रहेगी वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रहेगी, टैक्स फ्री रहेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वो चार पॉइंट्स। देखिए इसके अंदर चार पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ जाता है, अमाउंट रिसीव। ठीक है, जो भी इनकैशमेंट हुआ है लीव का और उसका जो अमाउंट मिला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट। तो मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट इसका कितना है, 3 लाख है। ये क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण की जो कर मुक्त की अधिकतम सीमा कितनी है, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम कर मुक्त सीमा कितनी है, वो है 3 लाख। ठीक है, आपको मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट पूछी जा सकती है इन कैशमेंट ऑफ लीव की, तो वो कितनी है, 3 लाख है। ठीक है, फिर आपके सामने कौन सा आ जाता है, थर्ड नंबर पॉइंट आ जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट में 10 मंथ एवरेज सैलरी आ जाती है। 10 मंथ एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं, आपको जब वो रिटायर होता है उसके जस्ट बिफोर वाले 10 ईयर्स की क्या लेनी है, एवरेज सैलरी लेनी है। ठीक है, तो जस्ट बिफोर 10 ईयर्स, जैसे सपोज करो कोई जो एम्प्लॉय है वो जून में रिटायर होता है, तो जून से जस्ट पहले वाले जो 10 मंथ है, ठीक है, जस्ट बिफोर वाले 10 मंथ, जस्ट बिफोर 10 मंथ, तो जस्ट बिफोर 10 मंथ वाली सैलरी लेनी है आपको। ठीक है, और उसको डिवाइड करना है 10 से। किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा एवरेज सैलरी। आपके सामने एवरेज सैलरी आ जाएगी और उस एवरेज सैलरी को आप वापस 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो एवरेज सैलरी इंटू करोगे 10, तो इस पॉइंट में आपके थर्ड नंबर पॉइंट में ये चीज़ आ जाएगी, 10 मंथ एवरेज सैलरी। फिर पॉइंट नंबर 4 जो होगा, पॉइंट नंबर 4 में क्या आएगा, सैलरी फॉर रिमेनिंग लीव्स, जो छुट्टियाँ उसकी बच गई हैं, रिमेनिंग लीव्स जो हैं, जो छुट्टियाँ उसने नहीं ली है, जो छुट्टियाँ बच गई है उसकी सैलरी निकालनी है, क्योंकि जो छुट्टियाँ बच जाती है उसी को ही तो कैश में पेड किया जा रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है आपको सैलरी के अमाउंट से। ठीक है, तो सैलरी फॉर रिमेनिंग लीव्स और ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज, ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज मतलब इनकम टैक्स के अंदर एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियाँ क्या है, मान्य है। आयकर अधिनियम में या इनकम टैक्स में लिख देते हैं, इनकम टैक्स के अंदर जो है, इनकम टैक्स में ओनली 30 डेज की जो लीव्स हैं उन्हें ही क्या मान्य माना गया है,
उन्हें ही मान्य माना गया है। ठीक है, 30 डेज की लीव्स इन 1 ईयर, एक साल के अंदर सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां जो हैं वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है, मान्य है। तो एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां मानते हुए पीछे जो छुट्टियां बचती है उन छुट्टियों की आपको क्या लेनी है, सैलरी लेनी है। ठीक है, तो सैलरी फॉर रिमेनिंग लीव्स, जो बची हुई छुट्टियां हैं उसकी सैलरी लेनी है, लेकिन वो भी 30 दिनों के आधार पर लेनी है। ठीक है, फिर इसमें जो सैलरी वर्ड हमने यूज़ किया है यहाँ पे और यहाँ पे, वहाँ पे जो सैलरी यूज़ करोगे उसके अंदर आप जो लोगे सैलरी उसके अंदर क्या क्या लोगे, बेसिक सैलरी ले लोगे। ठीक है, डीए ले लोगे, डीए अगर सर्विस रूल के अंदर है तो आप डीए लोगे, और प्लस आप क्या ले लोगे, कमीशन ऑन सेल ले लोगे। ठीक है, प्लस आप कमीशन ऑन सेल लोगे। तो ये आपके बनेगी सैलरी। तो तीन, इसमें जो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आपके जो अमाउंट रिसीव हुआ है लीव के इनकैशमेंट का वो लिखना है, मैक्सिमम टैक्स फ्री अमाउंट जो है 3 लाख वो लिखनी है, फिर थर्ड नंबर पॉइंट में एवरेज सैलरी लेनी है आपको, वो भी 10 मंथ की, तो इंटू 10 करके लिखोगे, और फोर्थ नंबर पॉइंट में सैलरी फॉर रिमेनिंग लीव लोगे। ठीक है, सैलरी फॉर रिमेनिंग लीव जिसमें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक साल में कितनी लीव माननी है, 30 डेज की लीव माननी है। अब सोचो किसी एम्प्लॉय ने 15 ईयर्स काम किया है, 20 ईयर्स काम किया है, तो हर साल उसे 30 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, तो 20 सालों में या 15 साल जितने भी साल उसने काम किया है तो उतने सालों में उसकी कितनी लीव होनी चाहिए और उसमें से उसने कितनी छुट्टियां ले ली है, वो माइनस करने के बाद में पीछे जो लीव्स बचेगी उन्हें हम रिमेनिंग लीव कहेंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग लीव्स की आपको लेनी है सैलरी, और इन तीनों, इन चारों पॉइंट में से जो भी कम होगा वो आपके क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। ठीक है, विच एवर इज लेस, यहाँ पे यही बात लिखी गई थी, विच एवर इज लेस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि इनमें से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, वही आपके क्या होगा, वही चीज आपके टैक्स फ्री होगी। ठीक है, और बाकी पीछे जो बचती है अमाउंट वो आपके क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हमने पूरा पढ़ लिया है। देखिए प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, जिसको हमने 2 वीडियो के अंदर कवर किया है, इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करने पर ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी में ग्रेचुटी हमने देखा। ठीक है, ये देखिए ग्रेचुटी देखा था, ग्रेचुटी के 2 पॉइंट थे। उसके बाद में हमने देखा था कि ग्रेचुटी पेमेंट एक्ट फॉलो हो रहा है तो कैसे लेना है, नहीं फॉलो हो रहा है तो कैसे लेना है। ठीक है, इसके बाद में हमने पेंशन देखी, पेंशन में हमारे पास मंथली पेंशन थी और एक कम्यूटेड पेंशन थी। ठीक है, फिर दोनों हमने देखी, उसमें भी हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए देखा। फिर उसके बाद में हमने आज हमने देखा इस वीडियो के अंदर कंपनसेशन, कंपनसेशन सेवाकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति पर, और फिर हमने देखा इन कैशमेंट ऑफ लीव। ठीक है, और आगे जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स का हमारे सैलरी के अंदर कौन सा आने वाला है, परक्यूसिटीज़ का आने वाला है, सुविधाओं का आने वाला है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।